दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है। कुछ गलतियां हम करते हैं और कुछ हमसे अपने आप हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं वो काम जो आप सालों से गलत करते आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसका पता तक नहीं है। दोस्तों, दिन भर के थके हारे इंसान को बिस्तर पर पड़ते ही जो सुकून मिलता है उसका कोई जवाब ही नहीं है। पर अगर रात को अच्छी नींद ना आए तो एक तो पूरा दिन जिस्म में दर्द रहता है और काम की क्या हालत होती है वो तो आप सबको पता ही है। दोस्तों, आपको ये बात शायद हैरान कर सकती है, पर ये सब होता है आपके सोने की पोजीशन की वजह से। बेशक उल्टा सोना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है, लेकिन ये बेहद नुकसानदायक होता है। इस तरह सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी पर बेतुका प्रेशर आता है, और तो और इसके बाद जब आप सर को साइड मोड़ लेते हैं तो आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। टेंशन मत लीजिए, हम बताते हैं आपको इसका सॉल्यूशन। आपको बस इतना करना है कि पेट के नीचे एक मुलायम तकिया और लगा लेना है, जिससे आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी। अगर आप साइड वे पर सोते हैं तो टेंशन मत लीजिए, अब हम आप पर ही आ रहे हैं। आपको लगता होगा कि किसी भी साइड सोने में क्या ही बुराई है, लेकिन ऐसा नहीं है, और हम बताते हैं क्यों। दोस्तों, आपका खाना आपके पेट के लेफ्ट साइड में डाइजेस्ट होता है, तो अगर आप राइट साइड सोएंगे तो डाइजेशन उल्टी तरफ होगा, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन और गैस बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो इस वजह से ये होता है। जी हाँ, इसलिए आपको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, समझे। एक मस्त वाली नींद से उठते ही सुबह सबसे पहले याद आता है टॉयलेट। हाँ हाँ, आप बोल रहे होंगे हमें तो मोबाइल याद आता है, टेंशन मत लो, उस पर भी आएंगे। दोस्तों, सबसे हाई प्रेशर सिचुएशन में भले ही आपको खड़े खड़े फटाफट टॉयलेट करने से सुकून मिलता है, लेकिन असल में बैठकर टॉयलेट करने से आपका ब्लैडर ज्यादा खाली होता है, मतलब आपको ज्यादा सुकून मिलता है। रुको, समझाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैठकर आपकी बॉडी आपके पेट की मसल्स को प्रेशर बनाने के लिए यूज करती है, और ब्लैडर ज्यादा खाली हो जाता है, जिससे टॉयलेट ब्रेक्स भी कम हो जाते हैं। ये तो थी नंबर एक की बात, और अब करते हैं नंबर दो की। हम समझ रहे हैं कि ये करना तो बैठकर ही होता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, पर इसमें सही पोजीशन बेहद जरूरी है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पॉट पर बैठते वक्त एक छोटे स्टूल पर पैर रख लेना। इससे जो पोजीशन आपकी बॉडी की बनेगी उससे ना तो आपकी बैक में दर्द होगा और आप बाथरूम में बैठकर ज्यादा देर तक फोन चला सकेंगे। बाकी आपको पता ही है लोग कैसे कैसे बैठते हैं, और उनकी ही वजह से ऐसे बोर्ड भी लगाने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रात में अपना मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर मस्त सो जाते हैं तो आपको बता दें कि फोन को चार्ज करने का ये तरीका आपके फोन की उम्र को घटा देता है। असल में मोबाइल बैटरी कंपनी केडेक्स के मुताबिक हम जो मोबाइल को पूरी रात चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं और बैटरी को उसकी लास्ट ड्रॉप तक यूज करते हैं, ये दोनों ही गलत है। हमें करना ये चाहिए कि जब मोबाइल की बैटरी 30% रह जाए तो उसे चार्जिंग पर लगा देना चाहिए, ना कि उसका दम निकलने का इंतजार करना चाहिए, और उसे सिर्फ 80% तक ही चार्ज करना चाहिए। जब आपका फोन 100% हो जाने के बाद भी चार्जिंग पर लगा होता है तो बैटरी ओवर चार्जिंग होने लग जाती है, जिससे कई बैटरीज की लाइफ कम हो जाती है। दोस्तों, आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि आपको एक ब्रश लेना होता है और उस पर पेस्ट से एक मस्त से स्माइल बनानी होती है, जो कि आज तक हमसे तो बनी नहीं, पर फिर भी एक बार तो हम सब ने ही ये ट्राई किया है, और स्माइल बनाने के बाद ब्रश करना होता है। असल में वो ऐसा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एक तो इससे पेस्ट ज्यादा खत्म होगा और दूसरा वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक मटर के छोटे दाने के बराबर पेस्ट ही काफी होता है आपकी मुस्कान चमकाने के लिए। तो अब ये पेस्ट और पैसे बर्बाद करना दोनों बंद कर दीजिए। टॉयलेट से रिलीव होने और मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने के बाद अब नंबर आता है नहाने का। दोस्तों, सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हुए ये दिल करता है कि पूरा दिन शावर के नीचे ही खड़े रहो, पर अब यहाँ आता है ट्विस्ट। पहली चीज तो ये कि भाई ऑफिस भी जाना होता है और पूरा दिन तो नहा नहीं सकते, और दूसरा ये है कि आपको ज्यादा देर गर्म पानी से नहाना भी नहीं चाहिए। हम बताते हैं क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि रोज गर्म पानी से नहाने से आपकी बॉडी का कुछ अच्छा बैक्टीरिया और ऑयल बॉडी से निकल जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है और आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है और स्किन फटने लगती है। और तो और, जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी के मुताबिक ज्यादा नहाने से कई सीरियस बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एक्जिमा। तो अगर इन सब से बचना है तो डेली मत नहाओ, और हाँ, इससे पानी भी बचेगा। अब जब नहाने की बात हो गई है तो पानी पीने की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी कैसे पीना चाहिए।
एक बात हम सबके दिमाग में डाल दी गई है कि अगर हम खड़े होकर पानी पिएंगे तो अर्थराइटिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। खड़े होकर पानी पियो या बैठकर, बीमारी इससे तो नहीं होगी। बाकी दोस्तों, पानी आपको बैठकर ही पीना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जब हम खड़े होते हैं तो ब्लड हाथ और पैर से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होता है, जिससे पानी डाइजेस्टिव सिस्टम तक सही से नहीं पहुंच पाता है। और बात करते हैं पानी कब पीना चाहिए, तो दोस्तों सुबह खाने से पहले यानी खाली पेट आपको एक गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन निकल जाते हैं, ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है और सबसे जरूरी आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। इसके अलावा खाना खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में पानी पीना चाहिए। हमें दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए और सबसे जरूरी ठंडा और गर्म नहीं बल्कि रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना चाहिए। नहाना धोना तो हो गया और पानी भी पी लिया, और अब आते हैं नाश्ते पर। दोस्तों नाश्ते में केला वन ऑफ द बेस्ट चीज है। इसमें पोटेशियम, प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार एक केले की कीमत आप जिम वाले से पूछिए। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आप केला आज तक गलत तरीके से खा रहे हो। दोस्तों कई बार आपसे ये हुआ भी होगा, जब आप केले को स्टेम की तरफ से छील रहे होते हैं तो वो छिलने की जगह खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। सही तरीका है केले को नीचे से छीलना। अरे ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, बंदरों के मुताबिक भी इसे नीचे से ही छीलना चाहिए। और ये तो आप सब जानते हैं कि केला और बंदर ऐसे हैं जैसे फिजिक्स और आइंस्टाइन। इससे केला बिना खराब हुए आसानी से छिल जाता है। यकीन नहीं तो अभी ट्राई कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे यार हम सांस तो ठीक से ले रहे हैं ना, ये नहीं। दोस्तों अब बनाना तो खाना आपको आ गया, अब हम आपको बताते हैं अंडे का एक नया फंडा। दोस्तों आज तक आप जब अंडे की ट्रे लेकर जाते हैं तो उसे फ्रिज के एक कंपार्टमेंट में रख देते हैं। सॉरी दोस्तों पर आप गलत करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि अंडे एक कंपार्टमेंट में नहीं तो क्या वेजिटेबल कंपोस्ट में रखेंगे? हम बताते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों अंडे को एक 20 डिग्री से कम के कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखना होता है, जिससे कि वो फ्रेश रहे। पर फ्रिज के दरवाजे पर जहाँ एक कंपार्टमेंट होता है वो फ्रिज का सबसे गर्म हिस्सा होता है, और बार बार फ्रिज का दरवाजा खोलने की आदत तो हम सबकी होती ही है, चाहे हमें उससे कुछ लेना देना ना हो। इससे होता ये है कि अंडों का टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे अंडों की क्वालिटी और टेस्ट में फर्क आ जाता है। और सेम यही सीन होता है दूध का। तो चलो अब बताते हैं कि इन्हें आपको कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के सामान हमें फ्रीजर के नीचे वाले हिस्से में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी सेम रहता है और ये एरिया भी ठंडा होता है। दोस्तों अब जो हम आपको बात बताने वाले हैं वो शायद आपको हैरान और परेशान कर देगी। आप कोई भी गेम खेलने जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि पहले थोड़ा वार्म अप कर लो। दोस्तों स्कूल टाइम से ही हमें बताया गया है कि वार्म अप करने से मसल इंजरी नहीं होती और हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। लेकिन असल में ये पूरा सच नहीं है। वैसे स्ट्रेचिंग और वार्म अप मसल के लिए सही होता है, पर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इससे आपको इंजरी नहीं होती। बड़ी आर्मी की ट्रेनिंग की स्टडी से ये पता चलता है कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप से इंजरी में कोई फर्क नहीं आता है। यहाँ तक कि कई स्टडी तो ये भी बताती हैं कि आपकी वार्म अप और स्ट्रेचिंग से परफॉर्मेंस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाती है। तो अगली बार आपको क्रिकेट खेलने जाना हो तो सीधे बैट से उठकर मैदान में बल्ला लेकर पहुंच जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइसक्रीम। दोस्तों वीडियो का एंड भी स्वीट के साथ करते हैं। दोस्तों आइसक्रीम हम सबको पसंद होती है। आपने अक्सर एक बात नोटिस की होगी कि जब आप आइसक्रीम का स्टोर लेकर आते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होती है, पर जब हम उसे फ्रिज में रख देते हैं वो हार्ड हो जाती है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों होता यह है कि जब आप आइसक्रीम की एयर टाइट सील को खोलते हैं तो आसपास की हवा में मौजूद वाटर वेपर्स आइसक्रीम के ऊपर जम जाते हैं, तो ऐसे में आप आइसक्रीम को जितना हवा में रखते हैं वो उतनी ही टाइट होती जाती है। वैसे हमारे पास तो आइसक्रीम का कार्टन 3-4 दिन तक टिकता ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप इसे 2 से 3 दिन तक खाने का प्लान कर रहे हैं तो आप कार्टन का ढक्कन बंद करते वक्त उसके नीचे वैक्स पेपर लगा सकते हैं या सिर्फ कार्टन को एयर टाइट पॉलिथीन में रखकर मस्त खा सकते हैं। तो दोस्तों आज की लिस्ट में से वो क्या क्या था जो अब तक आप गलत कर रहे थे, नीचे हमें कमेंट करके सच सच बताइए, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिका लैंड यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस जैसे ही आएं आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएं।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।